विधानसभा में प्रतिपक्ष उपनेता पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ रविवार को बाड़मेर दौरे पर है, जहां उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही अकाल की स्थिति बन गई है। पानी बिजली को लेकर जनता त्रस्त है, लेकिन राज्य सरकार राहत देने के बजाय बयानबाजी में मशगूल है। राठौड़ ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में हताशा का माहौल है, नेता आपस में लड़ने में लगे हैं। साथ ही उन्होंने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के ऑडियो वायरल का भी हवाला भी दिया, जिसमें जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार से स्थानीय समस्याएं सुलझाने की मांग करने का हवाला दे रहे हैं। सरकार अकाल के प्रबंधन को पूरा करने में विफल रही। सरकार के मंत्री हर मामले में प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विद्युत कंपनियां का जो सब्सिडी सरकार की थी 13,000 करोड़ रुपए, उसको रोककर सरकार ने ये दर्शा दिया है कि अब किसानों को सस्ती बिजली देने का दंश भी उनको भुगतना पड़ेगा। और कानून का राज लगभग समाप्त हो गया है। सरकार के अंदर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी की लड़ाई सड़क पर है। सरकार के विधायक सरकार को कोसने में लगे हुए हैं। ये सरकार अपने ही भार से निश्चित तौर पर टूटेगी और विकास के कामों को ठप कर पानी बिजली का जिस प्रकार का संकट सरकार की अक्रमणता के कारण खड़ा हुआ है, राजस्थान की जनता में रोष है इस बात को लेकर।